हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष राठौर, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर के आ गया हूं जिसकी आप मांग बहुत 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 ज़्यादा समय से कर रहे थे। मेरे किसी भी टॉपिक की वीडियो हो, आपके कमेंट इस वीडियो के लिए आते ही थे। तो आज हम बात करेंगे 10/20 के ऊपर, तो फाइनल वीडियो भी होगा एक तरह से ये। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और आगे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। 10/20, 10/18, इन दोनों ट्रेनों के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। आज मैं पहली बार अपने चैनल पर 10/20 के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस के अंदर ही बात करी है, कभी डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई 10/20 के लिए, क्योंकि बहुत सारे कारण भी रहे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, इतने सारे कमेंट्स जो कि आते हैं 10/20 के ऊपर, मैं उनके जवाब दे ही नहीं पाता और मुझे बड़ा ही अच्छा नहीं लगता कि मैं जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि कुछ देने के लिए है ही नहीं दोस्तों। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा 10/20 के बारे में, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको प्रोजेक्ट समझाऊंगा। और इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, 10/20 के लिए मैं एक चीज़ से बड़ा नाराज रहा हूँ हमेशा से, यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ही गलत तरीके से हाइप दी गई है 10/20 को, जिस वजह से शायद आप भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं इस ट्रेन के लिए, लेकिन इतना हाइप नहीं देनी थी इस ट्रेन को, क्योंकि जो ट्रेन अभी सिर्फ कागजों पर ही थी, उस ट्रेन को 2018 से लेकर अभी तक इतनी ज़्यादा हाइप बना दी गई जितनी तो 10/18 की भी नहीं बनाई गई थी, बल्कि 10/18 तो हमारे सामने भी आई, तो 10/20 की एक अलग ही लेवल की हाइप बना दी कि ये तो एकदम ऐसी दिखेगी जैसे फॉरेन ट्रेन होती हैं, एकदम बिल्कुल खतरनाक सी, एकदम बढ़िया सी जो होती है ना, चलती है 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कुछ इस तरीके की हाइप बना दी गई। हालांकि 10/20 का प्रोजेक्ट ऐसा ही कुछ था जिसमें थोड़ा स्पीड बढ़ानी भी थी, लेकिन वो वंदे भारत की ही एक कॉपी होने वाली थी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी उसी वक्त जब 10/18 हमारे सामने आई 2018 के नवंबर मंथ में, तभी साफ हो गई थी कि 10/20 के ऊपर अब थोड़ा बहुत काम चलना शुरू हो गया है। ये बात कही थी उस वक्त के ICF के चीफ सुधांशु मानी जी ने, जी न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में, कि वो अब फोकस कर रहे हैं 10/20 के ऊपर, लेकिन वो पूरी तरीके से एक प्रतिरूप होगी, एक कॉपी होगी 10/18 की, ये उन्होंने बात कही थी। लेकिन हम लोगों ने कितनी हाइप बना दी यूट्यूब पर कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट वे की, एक बिल्कुल डिफरेंट ट्रेन होगी, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास होगी, ऐसा ऐसा कुछ बता दिया। चलिए मैं शुरू करता हूँ मेन बात बताना बहुत सरल भाषा में। 2016 का वक्त था, नई ट्रेनें अनाउंस हुई थी रेल मंत्री जी के द्वारा, ये हमसफर एक्सप्रेस थी, अंत्योदय एक्सप्रेस थी और तेजस एक्सप्रेस थी। जब ये ट्रेनें रियलिटी में उतर आई, ट्रैक्स पर बन करके तैयार हो गई और सभी रेल कोच फैक्ट्री ने सभी जल्दी जल्दी कोच बना के तैयार करें रेलवे की डेडलाइन के अकॉर्डिंग, तो हम सफर एक्सप्रेस में हमें देखने को मिली, अंत्योदय देखने को मिली, अब तेजस भी देखने को मिल गई हैं। फिलहाल उस वक्त ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट हमारे सामने नहीं आया था कि कोई ट्रेन सेट जैसी वर्ल्ड क्लास लेवल की ट्रेन हम बनाने वाले हैं। एकदम से फिर 2017 में ये न्यूज़ आती है कि ट्रेन सेट्स के ऑर्डर दिए गए हैं बनाने के लिए ICF को। ये एक एक्सपेरिमेंट होगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारी ट्रेन बनाने के ऑर्डर दिए गए थे, एक पहला ही रेक बन के आ जाए हमारे सामने, हमें देखे तो कि कैसा दिखता है इंडियन रेक और कितने पैसों में बनकर तैयार होता है, तभी तो उसकी फंडिंग होगी आगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ 2017 में, बात सुनने में आई कि 10/18 नाम की ट्रेन बन रही है। उसी के साथ में एक और खबर आई, ये जुड़ी हुई थी इससे ही, कि 10/20 भी एक ट्रेन बनेगी 2 साल बाद, जो कि 2020 में आएगी, और इस ट्रेन का जो लुक होगा वो बिल्कुल 10/18 जैसा ही होगा, लेकिन ये उसका स्लीपर वर्जन होगा। बस इतनी बात सामने निकल के आई थी। फिर वक्त निकलता गया और 10/18 के लिए लोगों का और भी ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ती गई और वो लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि कब बनेगी। तो नवंबर 2018 में हमें रिवील हो गई और उसके बाद उसके टेस्ट रन शुरू हुए। 10/20 की कोई खबर ना तब थी, ना जब वो अनाउंस हुई थी 10/18 के साथ में, ना तब थी, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था दोस्तों, कि जो रेलवे देखना चाहता था और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देखना चाहती थी कि हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। हम अगर पहले से बना रहे होते तब तो हम ऐसे ही ऑर्डर दे देते कि स्लीपर वर्जन वाला 10/20 बना दीजिए और एक हमें सीटिंग वाली बना दीजिए। सीटिंग वाली तो बनकर के आ गई। अब जब ट्रायल शुरू हुए उसके बाद फिर 15 फरवरी 2019 को इनॉग्रल रन हुआ 10/18 का एज अ वंदे भारत एक्सप्रेस और एक नई ट्रेन सर्विस इंडियन रेलवे में जुड़ गई। 10/20 की कोई खबर तब भी नहीं थी। हालांकि मैंने जैसे कि आपको बताया है, जब 10/18 आई थी तभी सुधांशु मानी जी ने कहा था कि हम 10/20 पे काम करना शुरू कर चुके हैं। अब जून के महीने में खबर आती है कि 10/18 का प्रोडक्शन जो है वो रोक दिया जाएगा और उनके जो टीम ICF है उनके ऊपर विजिलेंस जो इंक्वायरी है वो बिठाल दी गई। उसके बाद लंबा समय लगा, बहुत सारा चीज़ें झेलना पड़ी हमारी 10/18 एज अ वंदे भारत एक्सप्रेस को। तो इस बीच जो भी कुछ हुआ सारी वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो में अभी फिलहाल हाल ही में मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आई बटन पे भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा 10/18 के साथ क्या हुआ। 10/20 की खबर अभी भी कुछ नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूँ
बहुत सारी चीज़ें जो हाइप बनाई गई यूट्यूब पर और हमारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के आर्टिकल्स में, वो बेवना फालतू की थी, क्योंकि ना तो कभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2020 के बारे में कुछ बात करी, ना ही कभी ICF की प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ आई कि वो ट्रेन 20 का कोई स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं। 200 km/h स्पीड होगी, एल्यूमिनियम बॉडी होगी, बहुत सारी बातें हैं। अब विकिपीडिया में कैसे किसी ने अपडेट करा है इन्फॉर्मेशन हम नहीं कह सकते, क्योंकि विकिपीडिया खुद कह रहा है कि ये आर्टिकल जो है वो वेरीफाइड नहीं है। तो ट्रेन 20 की जो भी विकिपीडिया बनी हुई है गूगल पर, वो बिल्कुल भी वेरीफाइड नहीं है। ये सिर्फ मनगढ़ंत बना दिया गया है, ना ही ट्रेन 20 के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन निकले हैं। अब ट्रेन 18 के ऊपर मैं फोकस हमेशा से करता इसलिए आया हूँ, ट्रेन 20 के ऊपर इसलिए वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जो चीज़ रियलिटी में है ही नहीं। एज अ टेक्निकल पर्सन मैं जानता हूँ कि कोई पैसा तभी देगा बनाने के लिए जब आप उस चीज़ में महारत हासिल कर चुके होंगे। जब ICF ने ट्रेन 18 में ही अभी फिलहाल इतना कुछ झेला है, तो हम कैसे मान लें कि उसकी कॉपी हूबहू एक स्लीपर वर्जन ट्रेन 20 जो कि राजधानी एक्सप्रेस रिप्लेस करने के लिए बनाई जाएगी, और ट्रेन 18 जो कि शताब्दी के लिए बनाई जा रही है रिप्लेस करने के लिए बनाई जाएंगी। लेकिन यही बात हुई ना कि जब ट्रेन 18 ही फंस गई तो ट्रेन 20 तो कहीं भी दिखी गई ही नहीं, और ना ही पिछले 2 सालों में कोई ट्रेन 20 की खबर आई। तो हम लोगों ने जो ये हाइप बना दी है यूट्यूब पर, फिलहाल आप लोग इस पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ट्रेन 20 मतलब 2020 में आएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ट्रेन 18 बन के आएगी तभी हम कुछ सोचेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कई बार संसद भवन में ट्रेन 18 के लिए 44 कोचेस जो बनाए जा रहे हैं उसकी जानकारी दी है, और उसके लिए जो फंडिंग की गई है उसके लिए भी जानकारी दी है पीयूष गोयल जी ने, लेकिन ट्रेन 20 की बात कभी करी ही नहीं। और वो लोग ये भी नहीं कहते कि वंदे भारत एक्सप्रेस है या ट्रेन 18 है, वो बोलते हैं 44 ट्रेन सेट के रेक्स बनेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर तो ये बात क्लियर हो जाती है कि हम लोग अभी फिलहाल टेस्टिंग मोड में ही हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि हम कितनी ज़्यादा और भी अच्छी ट्रेन बना सकते हैं ट्रेन 18 को। तो ट्रेन 18 जितना अच्छा उभर करके आएगी, वंदे भारत एक्सप्रेस जितना भी उभर करके आएगी अच्छी, उतना ही ट्रेन 20 का भविष्य जो है और भी ज़्यादा साफ दिखता रहेगा, साफ दिखेगा हमें, क्योंकि अभी तो सब कुछ अंधकार में ही है। जब तक ट्रेन 18 के जो अभी टेंडर निकले हैं उन टेंडर में भी पहला टेंडर फेल हो गया, उसका दूसरा टेंडर अब निकला है, उस टेंडर की मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी, 6 कंपनियों ने भाग लिया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब जो 44 रेक हैं वो 2020-21 और 21-22 के बीच में हमको मिल जाएंगे, उसके बाद ही ट्रेन 20 का कुछ हो सकेगा। मेरा मानना यह है दोस्तों, टेक्निकल पर्सन होने के नाते मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तभी पैसा देगी जब उनको ट्रेन 18 पसंद आएगी। तो अब ट्रेन 18 को ऐसा वंदे भारत बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि अब नई बनकर के आएगी, अगर उसका पहला रेक 2020 के एंड या 21 के शुरुआती महीनों में आ गया, तो मेरा मानना है दोस्तों अगर पहला रेक आ गया तो वो कामयाब तो होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि सारी जान लगा दी है रेलवे ने अब तो। अगर वो कामयाब होता है तो उसी वक्त मुझे लगता है कि ट्रेन 20 प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाएगा और फंडिंग भी हो जाएगी। तो देखना होगा अगले रेल बजट में क्या सामने आता है। फिलहाल तो यही न्यूज़ है कि ट्रेन 20 ना कभी थी ना कभी हमारे सामने उसकी कोई स्पेसिफिकेशन ऑफिशियली लॉन्च हुई, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आज तक आया ही नहीं, और विकिपीडिया पे भी जानकारी जो है वो ऑफिशियल नहीं है। अब मेरी मन की बात, बुरा तो मुझे भी लगा दोस्तों, मैं भी हर जगह खोजता रहता था कि ट्रेन 20 की जानकारी भी मिल जाए, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा था नहीं। तो अब मैं बताता हूँ, एक छोटी सी गलती जो रही ये रही, ट्रेन 18 जब बन रही थी, RDSO और हमारे इंडियन रेलवे के ऑफिशियल्स को अगर हम दिक्कत बाद में महसूस हुई है, प्रोपल्शन सिस्टम और उसका वेट ज़्यादा हो गया, ये सब बातें जो हैं उन्होंने बाद में एज अ रीज़न बोली हैं कि हमने इसलिए विजिलेंस इंक्वायरी बिठाई है, एक ही कंपनी को फ़ायदा पहुँचाया गया, ये सब बातें जो भी हैं सामने आई। तो अगर ऐसा होता कि पहले ही बहुत अच्छी तरीके से हम ICF के साथ कम्युनिकेट कर पाते, कम्युनिकेशन हमारा इंजीनियर्स का अच्छा होता, RDSO वाले भी दिन रात मेहनत करते ICF में ही बैठ करके ट्रेन 18 बनाने के लिए कि हाँ भाई इंडिया के लिए कुछ अच्छा बना रहे हैं, हमारे ऑफिशियल्स भी पूरी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं उनके, और पूरा कम्युनिकेशन अच्छा रहता, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो गैप हुआ है इसी की वजह से रीस्ट्रक्चरिंग हुई है इंडियन रेलवे के डिपार्टमेंट्स की, ये कम्युनिकेशन गैप बहुत गलत है, यही बात हो रही है। अगर ICF के साथ मिलकर के पहले ही काम किया होता तो ट्रेन में कुछ गड़बड़ नहीं होती, तो फिर बाद में कोई बोलने वाली बात भी नहीं होती कि हमने ऐसा करा हमने वैसा नहीं किया, ये दिक्कतें ना आती तो आज ट्रेन 20 बन रही होती, टाइम पर होती, क्योंकि ट्रेन 18 पहले ही कामयाब हो जाती रेलवे बोर्ड के और RDSO के मुताबिक। फिर भी दोस्तों अब ये वाली गलतियाँ संभाल तो ली गई हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो 5 कंपनीज हैं इंडियन कंपनीज हैं उनमें से किसको ये जाता है ऑर्डर, और जो चाइनीज़ कंपनी है उसको तो छोड़ देते हैं। तो अब जो ऑर्डर जाएगा तो उसके बाद फिर वो कंपनीज कितना जल्दी बना करके देती हैं, और हमारे पास जब तक वंदे भारत एक्सप्रेस का, ये मेरे फाइनल वर्ड है, सबसे इम्प्रूव्ड वर्जन 101% ऐसा होता है ना, किसी चीज़ का एक 100% का वर्जन भी होता है, अगर वो वर्जन निकल के आ जाता है तो वंदे भारत एक्सप्रेस का ये वर्जन
बहुत जल्द स्लीपर वर्जन में बदलेगा और ट्रेन 20 के रूप में हमारे सामने होगा। और इसके अंदर में भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं जो अभी आने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस, और वही टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स हमें दिखेंगे ट्रेन 20 के अंदर। और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा रेलवे, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि स्लीपर वर्जन की रिक्वायरमेंट तो है। और राजधानी एक्सप्रेस कब तक हमारे ट्रैक्स को संभाल पाएंगी ये भी बहुत बड़ी बात है देखने वाली, क्योंकि अभी उनके ऊपर भी इम्प्रूवमेंट के काम चल रहे हैं। या फिर ट्रेन 20 एक अलग ही सर्विस के रूप में आएगी, जैसे वंदे भारत एक अलग ही सर्विस के रूप में अभी चल रही है, तो देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और कभी भी मायूस ना होए, हमारा रेलवे हमारे लिए काम तो कर रहा है, क्योंकि हमको पता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जब बनेगी तो ट्रेन 20 भी हमारे सामने होगी बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।